हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को 2 मिनट तक जरूर देखें। अगर फिर भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, लेकिन प्लीज 2 मिनट तक जरूर देखें। गाइस, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ इमेजेस के साथ रिलेट करके भी डिस्क्राइब करूंगी, जिससे आपको अच्छे से याद हो पाए और कभी आप मेमोराइज करें तो आप कनेक्ट कर पाए इमेजेस, क्योंकि बहुत जल्दी माइंड में आ जाती है, बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो इस बात का ध्यान कि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो गाइस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और एक एग्जाम में नहीं, कई एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि ये आपका यूपी ट्रिपलसी पेट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपका सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो कब चली थी, यानी भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, किस सन में चली थी और किन दो स्थानों के बीच में चली थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि जो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी, यानी भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, वो 1853 में 16 अप्रैल को भारत में पहली यात्री रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यानी किन दो स्थानों के बीच में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। इस दिन को देश में भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से आप 3 क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। पहला, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में पहली यात्री रेल चली थी। किन स्थान के बीच में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो गाइस, यहाँ से कई क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बता दूं। ये इमेजेस आप देख रहे हैं, ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन की इमेज है, ये रियल इमेज है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं, आपको इमेज देखने में मिल जाएगी। ये पहली भारत की पैसेंजर ट्रेन है, और गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें 3 इंजन की आवश्यकता थी, यानी 3 इंजन लगाए गए थे। नॉर्मली जो आज के टाइम पे हम ट्रेन देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ 1 इंजन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो भारत की पहली यात्री रेल चलाई गई थी उसमें 3 इंजनों का इस्तेमाल हुआ था। और डिब्बों की संख्या कितनी थी, डिब्बे थे 14 डिब्बे, यानी ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग, ये 14 डिब्बे थे। 3 इंजनों का इस्तेमाल हुआ था, 14 डिब्बे थे इसमें, और सबसे पहले 400 लोगों ने इस ट्रेन में सफर किया था, और 34 किलोमीटर का यह सफर इस ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। यानी उस टाइम मुंबई से ठाणे के बीच की जो दूरी थी, जो ट्रेन ने तय की थी, वो थी 34 किलोमीटर। उस दूरी को तय करने के लिए ट्रेन को समय लगा था 1 घंटा 15 मिनट। और डेक्कन क्वीन नाम की इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे, यानी ये जो ट्रेन थी भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन, इसका नाम था डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन नाम था इसका, और ये दोपहर के 3:30 बजे बोरी बंदर से प्रारंभ हुई थी। तो ये सारे फैक्ट हैं गाइस, आप इन्हें रिलेट करके एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से मेमोराइज हो पाए। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पूछा गया है कि भारत का लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, कहाँ लगता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो ये है कि ये बिहार राज्य के सोनपुर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा, या जो कि नवंबर दिसंबर में लगभग पड़ती है बीच में ही, में लगता है। यह मेला पूरे 1 महीने लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ कि हरिहर मेला क्यों कहा जाता है, यानी इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 2 मंदिर हैं। हरि मतलब होता है विष्णु भगवान, हर मतलब होता है शंकर भगवान। तो यहाँ विष्णु भगवान का भी मंदिर है और शंकर भगवान का भी मंदिर है, तो इस वजह से इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह आप चीजें रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इस मेले को स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं, यानी स्थानीय लोगों का एक अलग नाम होता है जो वो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। यहाँ हाथियों व घोड़ों की खरीद हमेशा से सुर्खियों में रहती है। हाँ गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो हाथियों की खरीद है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहती है, एक अलग ही व्यू क्रिएट करती है। इस वजह से मैंने ये इमेज का भी इस्तेमाल किया, जिससे आप इस चीजों को रिलेट कर पाए कि यहाँ की जो सबसे बड़ी शान है यानी इस मेले की, वो हाथी है। हाथियों को खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार की राजधानी
पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों की एक अलग पहचान दी। यानी किस नदी के तट पर लगता है? गंडक नदी के तट पर लगता है। और यहाँ एक स्टोरी भी है गाइस, यहाँ की एक स्टोरी, आपने हाथी और मगरमच्छ वाली कहानी सुनी होगी कि हाथी एक बार उसको प्यास लगती हो, तालाब में पानी पीने जाता है, तभी मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। हाथी बहुत प्रयास करता है, दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वो अपना पैर मगरमच्छ से छुड़ा नहीं पाता और मगरमच्छ उसे अपने पानी में खींच नहीं पाता। तो हाथी क्या करता है, एक फूल तोड़ता है और विष्णु भगवान को याद करता है। तो विष्णु भगवान जी आते हैं और उस लड़ाई को खत्म करवाते हैं। तो गाइस स्टोरी ये है कि उसमें ये नहीं पता चलता कि कौन हारा कौन जीता, इस वजह से यहाँ एक घाट भी है कौन हारा, जिसका नाम है कौन हारा, यानी कौन हारा नाम का एक घाट भी है। तो इस स्टोरी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, बिहार राज्य के सोनपुर में लगता है। ये कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, यानी किस ईयर में हुई थी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, इसे शॉर्ट फॉर्म में NIC भी कहते हैं। ये कब किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसका जो आंसर गाइस वो है ये है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में, यानी 1961 में भारत के यानी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। किसने की थी? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज मैंने इस्तेमाल की है ये उस टाइम की है जब आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ जो उनका अध्यक्ष, यहाँ आप देख भी सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे भी हुए हैं और ये क्या थे, NIC के अध्यक्ष थे, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की ये रूल है कि इनका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। और परिषद के अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन कौन से सदस्य शामिल किए जाते हैं? कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं, उद्यमी यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता आदि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना क्यों की गई थी, तो राष्ट्रीय एकता से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं यानी कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था और आज भी किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय एकता को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है यानी भारत का जो प्रधानमंत्री है वो इस सम्मेलन का आयोजन करता है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, यानी ये जो पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ ये भी कई बार पूछा गया है कि इन व्यूज ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वालिटी आर मेंशन, यानी जो आपका समानता का अधिकार है जिसे समता का अधिकार भी कहते हैं वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो भारत के संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इस अधिकार का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। तो इस बात को आपको याद रखना है। अनुच्छेद जो 14 है उसमें मेंशन किया गया है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि नियम से पहले, लॉ से पहले ही इक्वालिटी समानता का अधिकार या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, किसी को विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक समान संरक्षण हासिल है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समान परिस्थिति के दो लोगों में भेदभाव होता हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। उसी तरह अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जो एक जैसे दो नागरिकों पर एक जैसा असर नहीं डालता तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत के किन्हीं दो नागरिकों में से दोनों में समानता का अधिकार है, दोनों को समान अधिकार है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं है, या किसी को कम पैसे या ज्यादा पैसे की वजह से नहीं है, या आपका
अलग अलग मेल फीमेल की वजह से भी नहीं है, जितने भी अधिकार हैं भारत के वो सभी बराबर हैं। अगर संसद कोई ऐसा फैसला सुनाती है जो किसी एक के पक्ष में हो, दूसरे के साथ पक्षपात हो रहा हो, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो समानता का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में मेंशन है, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में मेंशन किया गया है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर क्वेश्चन कई बार ये आया है कि रेंडियर जो पाए जाते हैं, रेंडियर क्या होते हैं, एक प्रकार के हिरण होते हैं, आप इमेज में भी देख रहे होंगे इस तरह के दिखते हैं कुछ, वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी भारत में रेंडियर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत के बाहर भी पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गाइस आपको याद रखना है कि रेंडियर हो गया, कैरिबो हो गया, ध्रुवी भालू हो गया, लोमड़ी, मस्क बैल, यानी मस्क बैल खरगोश, ये सभी क्या स्थलीय जीव है, और इसके साथ साथ व्हेल, वालरस आदि जलचर टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं तो टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। टुंडा प्रदेश कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ठंडा इलाका होता है, और वहाँ जो जीव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जैसे ध्रुवी भालू पाया जाता है, लोमड़ी पाई जाती है, खरगोश पाया जाता है, ये क्या है मस्क बैल, जो वहाँ के बैल होते हैं वो इस टाइप के दिखते हैं, यहाँ के कुछ अलग ही टाइप के दिखते हैं, लेकिन वहाँ क्या होते हैं कि बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं क्योंकि बहुत ठंडा इलाका होता है, बर्फ से ढका रहता है टुंडा प्रदेश। और रेंडियर भी पाए जाते हैं, और रेंडियर का जो वहाँ के लोग होते हैं इस्तेमाल करते हैं, इनकी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, इनके मांस का इस्तेमाल करते हैं खाने में, दूध का प्रयोग करते हैं, इनकी खाल पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। तो इन सभी चीजें रेंडियर के लोग करते हैं, सॉरी वहाँ के टुंडा प्रदेश के लोग करते हैं। तो रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं, टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्रुवी भालू कहाँ पाए जाते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं, अगर आप ऑप्शन आपको आता है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लेकिन मेनली यही पूछा जाता है कि रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि कुछ ऐसा दिखता है टुंडा प्रदेश जहाँ ठंडा इलाका है और इस तरह के जीव वहाँ पाए जाते हैं। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के प्रमुख घास के मैदान, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप कोई भी उठा लीजिए, आता ही आता है क्वेश्चन कि बताइए कि ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, या ये शीतोष्ण घास के मैदान है या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो वो सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान, उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो 2 ही पढ़ते हैं, पहला उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी टेम्परेट ग्रासलैंड। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वो भूमध्य रेखा के समीप कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित होते हैं, जैसा कि अगर कर्क रेखा मगर मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के समीप, भूमध्य रेखा ऐसे गई हुई है, फिर उसके बाद ऊपर आपकी कर्क रेखा गई है और दूसरी मकर रेखा गई है, तो इसी के आसपास आपको मिलेंगे। आप चाहें तो वर्ल्ड के मैप में देख भी सकते हैं, आप पाएंगे कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो इन्हीं के आसपास, यानी भूमध्य रेखा के समीप और इन्हीं रेखाओं के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, जिसके जिसका प्रयोग आखेट के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आपने पोलो गेम देखा होगा, यानी एक और गेम होता है, छोटा सा बॉल होता है उसे जो कि एक फील्ड में खेला जाता है, आप देखते होंगे वो घास के मैदान में ही खेला जाता है, वहाँ छोटी छोटी घासें होती हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में खेला जाता है, आप इस सीन से देख सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का ही एक सीन है, एक इमेज है, जहाँ यहाँ जो खेल के मैदान भी बनाए जाते हैं खेल खेलने के लिए, और ये क्या होते हैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, हरे हरे बहुत सुंदर लगते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो विश्व के महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय घास भूमि है उनका स्थान पूछ लेता है कि बताइए कि ये जो सवाना, जिस सवाना की बात करें, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, तो आपको याद रखना है कि ये जितने भी नाम दिए हुए हैं, समाना, कैंपास, सिराडो, डारनोज, साहेल, ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका भी यहाँ जिक्र किया गया है। समाना जो घास का मैदान है उष्ण कटिबंधीय है और ये सूडान यानी अफ्रीका में पाया जाता है, कैंपास ब्राजील में पाया जाता है,
सेराडो ब्राजील में पाया जाता है, लानोज कोलंबिया वेनेजुएला में पाया जाता है, और साहेल लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित है। होता क्या है कि जैसे कि यहाँ उष्णकटिबंधीय बोल दिया गया, अगर अलग अलग स्थानों पे इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। सूडान में इन्हें सवाना कहते हैं, ब्राजील में कैंपास कहते हैं, सेराडो कहते हैं, कोलंबिया वेनेजुएला लानोज कहते हैं, यानी अलग अलग नाम दे दिया गया है कि ये इस घास के मैदान का नाम ये है, इस घास के मैदान का नाम ये है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो नाम आते हैं वो ये हैं मेन मेन, और उनकी जो स्थिति है यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। फिर हम आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या होते हैं ये? इस प्रकार के घास के मैदानों में घास एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इमेज से हम समझते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए दोनों इमेजेस में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हरी 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 भरी घास है, छोटे छोटे पौधे हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ क्या है झाड़ियाँ हैं यानी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इन दोनों में आप अंतर समझ ही रहे होंगे कि जो उष्णकटिबंधीय है वो हरे हरे छोटे छोटे पौधे होते हैं, और जो शीतोष्णकटिबंधीय है वहां क्या झाड़ियां पाई जाती हैं। यही सब यहां से आप इमेजेस से अंतर निकाल सकते हैं, और आप चीजें रिलेट भी कर सकते हैं कि जो समशीतोष्ण घास के मैदान है वहां घास एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। इन घास के मैदानों में वर्षा मुख्यतः ओश एवं हिम के रूप में होती है। इन घास के मैदानों में गेहूं, मक्का, सोयाबीन का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है कि मौसम के अनुसार समशीतोष्ण घास के मैदानों में तापमान भिन्न होता है। सर्दियों में तापमान कुछ क्षेत्रों में 0 डिग्री फारेनहाइट के नीचे अच्छी तरह से गिर सकता है। गर्मियों में यही तापमान 90 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर पहुंच सकता है। शीतोष्ण घास के मैदानों में औसतन प्रतिवर्ष 20 से 35 इंच औसत से कम वर्षा होती है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीतोष्ण घास के मैदानों में लगभग कितनी वर्षा होती है तो 20 से 35 इंच से भी कम वर्षा होती है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इमेजेस से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ क्या होती है झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ जो प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूँ, चावल, मक्का, ये सभी क्या है प्रमुख फसलें। भारत में भी ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है स्थानीय नाम और स्थिति, यानी कि कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पंपास जो घास का मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पाया जाता है। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। टाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपी जो है वो पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में पाया जाता है। प्रेयरीज जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पुस्ता जो है वो हंगरी में पाया जाता है। इमेज भी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद करने लायक, वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट में चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यानी चार आपको सीरीज से दे दिया जाएगा, जिनमें से तीन या तो शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे और एक उष्ण कटिबंधीय आपको दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो अगर आपको ये नाम याद है और स्थान के नाम याद है कि कौन कौन से घास शीतोष्ण कटिबंधीय और कौन कौन से घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय है, तो आप अच्छे से उनको बता पाएंगे। आप देखते ही जान जाएंगे कि अरे पंपास तो शीतोष्ण कटिबंधीय, ये तो उष्ण कटिबंधीय में आता ही नहीं, अच्छा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये जो लास्ट का जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी इमेजेस के साथ, जिससे आपके रिलेट कर पाए और अच्छे से आपको याद भी हो पाए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे जिससे आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और अच्छे से याद भी रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, थैंक यू। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या क्या इसमें कमियां नजर आई और आप इनमें और क्या क्या आपको पॉइंट्स चाहिए थे या और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू।